2018 से इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के जरिए हम भारत के हर चुनाव में ईवीएम मशीनों द्वारा मतदान का विरोध करते आते हैं। ईवीएम एक ऐसा माध्यम है जिस पर भारत के जनमानस को शंका है, इसीलिए इंडिया अगेंस्ट ईवीएम द्वारा विराट जन आक्रोश मोर्चा निकाला जाएगा। लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया का पारदर्शी होना बहुत जरूरी है। चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र की नींव है। भारत के जनमानस को शंका है कि उनका वोट सही जगह पड़ रहा है या नहीं। हमने देखा है कि देश भर की सड़कों पर ईवीएम मशीनें पड़ी पड़ी, कई लाख मशीनें चोरी हो गई या नदारद है। ईवीएम एक मशीन होने के नाते उसे कोई भी नियंत्रित कर सकता है और इसके प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक भी हमने देखे हैं। और ईवीएम मशीन के द्वारा इस नींव को कमजोर किया जा रहा है, इसलिए इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के जरिए 17 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय ईवीएम विरोधी परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों लोगों ने हमारी इस ईवीएम विरोधी पहल को समर्थन दिया। गत 10 दिनों से संविधान चौक में धरना आंदोलन के जरिए हम ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध को और प्रखंड करने के लिए विराट जन आक्रोश मोर्चे का आयोजन कर रहे हैं। जय भारत, जय संविधान ॲडवोकेट स्मिता कमळे, इंडिया अगेन्स्ट ईवीएम। आणि उद्याला म्हणजे 11 मार्च ठीक 2 वाजता संविधान चौकमधून ते निवडणूक आयोगावरती आम्ही भव्य असा जन आक्रोश मोर्चा ईवीएम विरोधी घेऊन जाणार आहोत। ते ह्यासाठीच की इंडिया अगेन्स्ट ईवीएम हे लगातार 2018 पासनं ईवीएम विरोधी भूमिका घेत आहे। ईवीएम बॅन होऊन या ठिकाणी बॅलेट पेपर यावा हा आमचाच आग्रह नाही तर तमाम देशाचा, देशातील जनतेचा आग्रह आहे। तरीसुद्धा इतक्या प्रचंड प्रमाणामध्ये ईवीएम विरोधी जन आंदोलन परिषदा घेऊन देखील हे सरकार टस की मस होत नाही। चुनाव आयोगा देखील आम्ही अनेक रायटिंग स्वरूपामध्ये निवेदने दिलेले आहे, परंतु कोणतंही उत्तर, चुनाव आयोग म्हणतं की तुमच्या याचं उत्तर देण्यात येईल, परंतु अजूनही डिटेलमध्ये उत्तर चुनाव आयोग किंवा PM ऑफिसमधून आम्हाला किंवा राष्ट्रपती ऑफिसमधून आम्हाला आलेलं नाही आहे। आपणा सर्वांनाच ज्ञात आहे की 17 फरवरीला ईवीएम विरोधी राष्ट्रीय जनपरिषद या नागपूरच्या क्रांतीभूमीमधून आम्ही घेतली होती। देशातील ती पहिली ईवीएम विरोधी परिषद होती आणि जवळपास 50,000 वरती जनसमुदाय त्या ठिकाणी उपस्थित होता। आणि तेव्हाच आम्ही सांगितलं की ही जी परिषद आहे ही देशामध्ये एक ईवीएम विरोधी वातावरण निर्मितीसाठी माइलस्टोन ठरेल। आणि त्या परिषदेचा परिणाम देशभरामध्ये एवढा झाला की अनेक ठिकाणावरून, अनेक शहरामधनं आम्हाला फोन कॉल्स येतात, महाराष्ट्राच्या बाहेरून आम्हाला फोन कॉल्स येतात की हम भी यही चाहते है की ईवीएम हटे क्योंकि हमारी वोटिंग की चोरी हो रही है। अशा प्रकारच्या लोकांच्या प्रतिक्रिया येत आहे आणि अशी या पद्धतीची नागपूरला जी राष्ट्रीय जनपरिषद झाली आमच्या ठिकाणी देखील अशी परिषद घ्यायची आहे। इथे आमच्या ठिकाणी अडाणी जनता आहे, त्याच्या आम्ही वोट करत आहोत ते देशाचा विकास व्हावा, देशाला रोजगार मिळावं, देशाचं लोकशाही मजबूत व्हावी यासाठी करतोय। परंतु जर आमच्या मताची चोरी हे सरकार करत असेल तर ईवीएम या देशामधून हटलीच पाहिजे, अशा प्रतिक्रिया जनतेमधून येत आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।